वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है दिन सैटरडे और मंडे के बाद आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मंडे को मेरा लास्ट ब्लॉग वाला वीडियो मतलब मैंने बनाया था और नहीं कर पाई मैं ब्लॉगिंग। कुछ मतलब एक तो आलस थोड़ा बहुत, ठीक है, और दूसरा नहीं, मैं मतलब रियल बता रही हूँ आप लोगों को। सच में मैं थोड़ा सा आलसी भी हो गई थी बीच में। और उसके बाद दूसरा रीज़न है स्माइली का होमवर्क, बहुत सारा पेंडिंग था क्योंकि अभी तक उसका होमवर्क मैं पूरा करा नहीं पाई हूँ। काफ़ी सारा अभी रह भी गया है, आधा हो गया, आधा रह गया है जो वो एक महीना लेट एडमिशन हुआ है वो होमवर्क। क्योंकि देखो मैं खुद से कराऊंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर मैं खुद से लिख दूंगी तो एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन बच्चे का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उसको थोड़ा बहुत लेके बैठती हूँ, वो करती है, फिर मतलब ऐसे ही यार टाइम निकल गया, मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। तो आज है सैटरडे, वीकेंड का मतलब सैटरडे है, वीकेंड है। वीकेंड का वार बोलने वाली थी, बिग बॉस की याद आ रही, वीकेंड का वार है। तो वीकेंड है तो आज मैंने कहा चलो भैया आज कुछ ब्लॉगिंग कर ली जाए, आज कुछ बना लिया जाए। तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। उठे तो मुझे एक घंटा हो गया, 6:30 बजे उठी थी, एक घंटा हो गया है। अभी बाहर झाड़ू लग गई है, एक रूम भी साफ हो गया है और बस किचन में हूँ। किचन में नाश्ता पापा को की ऊपर छत पे है। स्माइली भी आज सुबह उठ गई मेरे साथ में, तो ऊपर वो भी गई है टहलने के लिए। तो बस आने वाले होंगे नीचे, तब तक मैंने कहा मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। तो अभी किचन में आई हूँ मैं, सोचा चलो आज सुबह से स्टार्ट कर ली जाए व्लॉगिंग। तो चलिए बने रहिए चैनल पर, अब मैं करती हूँ अपने काम। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बर्तन रात को जो मैंने धो के रखे थे वो रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इनको लगा देती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम पे भी देखिए किचन थोड़ा सा फैल जाती है, हम कुछ उठाते हैं रखते हैं तो सब फैल जाता है। अभी जब मैं क्लीनिंग करूँगी तो फिर सारा सामान अच्छे से सेट कर दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए नारियल पानी निकाला है, लेकिन इस नारियल में मलाई नहीं निकली है बिल्कुल भी। तो बस ये पानी ही जो है मैं छान रही हूँ, क्योंकि नारियल में से जब पानी निकालते हैं ना तो ये इसमें से कचड़ा भी काफ़ी आ जाता है, ये नारियल का ही रहता है। तो बस ये निकाल लिया है। यहाँ पे ये दूसरा नारियल भी जो है छील रहे हैं, क्योंकि इस नारियल में काफ़ी कम पानी निकला है। तो यहाँ पे ये दूसरा नारियल भी निकाल दिया है। और नारियल को छीलने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोग वैसा नारियल मंगवाते हैं पूरे खट्टे, तो ये साबुत रहते हैं, तो इसको मतलब मुझसे तो होता ही नहीं है ये। मेरे हस्बैंड ही निकालते हैं इसको, काट के अच्छे से। फिर आप देखिए इसकी मलाई निकाल रहे हैं, इसमें तो मलाई है, पहले वाले में बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस ये नारियल पानी निकाला है। तो बस अब यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। पापा का स्माइली भी ब्रश कर ली है, तो स्माइली को भी अब नाश्ता दे देती हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ी देर में फिर आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये स्माइली ने क्या हालत बनाई है। और ये दोपहर के टाइम का वीडियो है, और यहाँ पर इसने पूरी लिपस्टिक बर्बाद करी है। आपको देख के पता ही चल रहा होगा, नीचे पड़ी हुई है एक लिपस्टिक। और इसके यही काम रहते हैं, नहा लिया था इसने, नहा धो के इसको रेडी कर दिया था मैंने। उसके बाद इसने बस थोड़ी सी नज़र हटाओ और बस ये वही नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही काम होता है कि बस थोड़ी सी नज़रें हटी स्माइली पर से, तो बस स्माइली चेयर पर चढ़ के, ये डब्बा रखा हुआ था, ये देखिए मेरी लैक्मे की लिपस्टिक थी इसमें पिंक कलर की। अब सच में ये ऐसी ही चीज़ें वेस्ट करती हूँ, जो ज़्यादा अच्छी होती है ना वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी बर्बाद करती है। ये लिपस्टिक मैंने छुपा के ही रखी हुई थी इस डब्बे में ऊपर, क्योंकि इसको मेरा मेकअप बॉक्स पता है, वहाँ से ये सही मतलब अच्छी चीज़ें निकाल लेती है, तो मैंने ये रख दिया था, लेकिन इसको ये भी मिल गया। और यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं नूडल्स, चाइनीज़ नूडल्स, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इनके हाथों से। तो बस मैं ये बना रहे थे, वैसे ही मैं अचानक से आ गई, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो में ही शेयर कर देती हूँ। मना कर रहे थे, वीडियो बनाने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा आप नहीं दिखाई दे, कुछ इंटेंशन मतलब सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं। तो उन्होंने इसमें देखिए क्या क्या डाला है। और यहाँ पर सबसे पहले ना इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, इसमें हरी मिर्च डाली थी और थोड़ा सा कैप्सिकम डाला था, थोड़ा सा कैबेज डाला था, थोड़ा सा प्याज ऑनियन डाला था, और उसके बाद ये नूडल्स जो है वो डाली हैं। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इन्होंने अजीनोमोटो सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है नूडल्स में, और यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा विनेगर। और इतनी जल्दी जल्दी में बना रहे थे ना, तो बस मैं वीडियो बना रही थी,
तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ जो है शेयर भी कर लूँ मैं। और इनके हाथ का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए ये बहुत नखरे दिखाते बनाने में, बट आज पता नहीं कैसे इन्होंने बना दिया। और ये देखिए ये सेजवान चटनी है, ये डाल रहे हैं इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा डाल रहे हैं यहाँ पे फूड कलर। तो ये बहुत अच्छी नूडल्स बनाते हैं, मतलब मेरे को ना बाहर से भी ज़्यादा अच्छी इनके हाथ की लगती है घर में जो बनाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज बना दूँ, बड़ी मुश्किल में पता नहीं कैसे मूड हुआ तो आज बना रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ी बनाई है अभी, मतलब और अभी आधी बाकी है। तो ये वाली जो है ये मेरे लिए बन रही है, और अभी उसके बाद एक बार मैं और बनाऊंगी, क्योंकि ये बर्तन छोटा है इसलिए इसमें पूरी नहीं आ पाई है। तो अभी आधी दोबारा से बनाएंगे, आधी बन गई है। तो ये है चाइनीज़ नूडल्स, देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, और सच में बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। और बस उसके बाद ये इवनिंग का टाइम का है, बस हम लोग फिर मतलब दोपहर में मैं कुछ मतलब बना ही नहीं पाई वीडियो, क्योंकि दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा आराम कर रहे थे, और सुबह नूडल्स वगैरह खाई, और ये आज इडली भी ले आए थे सुबह मॉर्निंग में, डोसा इडली वगैरह, तो वो खा के हम लोगों का पेट भर गया था। तो फिर खाना खाया ही नहीं किसी ने, तो बस उसके बाद मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी इवनिंग में, पापा भी आ गए थे घर पे, तो यहाँ पे सूजी की वेजिटेबल इडली बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सूजी ले ली है, दही ले लिया है, नमक डाला है उसमें, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सोडा डाला था, बेकिंग सोडा, और बस उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और जैसे ही थोड़ा सा सूजी फूल गई है तो मैंने यहाँ पे इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ली है, थोड़ी कैप्सिकम है, और थोड़ा सा टमाटर है एक, उन सबको अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और अगर आप चाहें इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं वेजिटेबल इडली बनाने के लिए। और ये इडली का स्टैंड है, यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है, तो और पानी भी रख दिया है साथ में गर्म होने के लिए, ताकि ये जल्दी से फटाफट जो है बना लूँ मैं। और बस अंधेरा भी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 6 बज रहे थे, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा भूख लगी है। पापा भी आ गए थे आज, घर पे ही थे सब, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ इडली, और सुबह इडली खाई थी ना उसकी थोड़ी चटनी भी बची हुई है, तो मैंने कहा चलो वेजिटेबल इडली बना ली जाए। और वैसे भी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था वेजिटेबल इडली बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं इडली बना ही देती हूँ। और यहाँ पे जो इडली का जो ये बैटर बचा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं अब चीले बना रही हूँ सूजी के, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। और ये देखिए पहला चीला तो टूट गया है, तो ये चीला कम हलवा ज़्यादा हो गया है, तो ये स्माइली को देने जा रही हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा चीला बना रही हूँ, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, ये बिल्कुल नहीं टूटा है। मैं कोई भी चीज़ पहली बनाती हूँ ना, पता नहीं मुझसे क्यों ना वो थोड़ा सा टूटता फूटता है ही, पराठे हो गए या चीला हो गया, हमेशा की आदत है वो। तो यहाँ पे मैं इडली चेक कर लेती हूँ कि बनी है या नहीं बनी है, तो मैंने फोक से चेक किया है, तो इडली हमारी बन गई है, लेकिन मैंने अभी गैस को स्लो कर दिया है। और ये जो चटनी रखी है, ये सुबह मॉर्निंग में इडली लाए थे, उसकी बहुत सारी चटनी बच गई थी, तो इसीलिए मैंने अभी बना भी ली, मैंने कहा नाश्ता हो जाएगा और इसमें टाइम भी नहीं लगता है सूजी की इडली वगैरह बनाने में। तो और अगर मैं चाहती इसके अप्पे भी बना सकती थी जो ये बचा हुआ बैटर था, बट मैंने यहाँ पे चीले बना दिए हैं, तो ऐसे ही इसके अप्पे भी बना सकते हैं अप्पे के स्टैंड में डाल के। और देखिए इडली बन गई है, चीले भी बन गए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जो है सर्व कर लेती हूँ प्लेट में, और देखने में अच्छी लग रही है इडली, ऐसे ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम बिल्कुल ही लगता है, फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो बस ये देखिए, ये देखिए आप लोग पास से देख रहे हैं इडली को, और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों को वेजिटेबल पसंद नहीं होती, बट इडली में क्या है बच्चे खा जाते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा चीला भी बनके तैयार है। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी हमारे साथ इडली खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा अभी का वीडियो, अभी मैंने जो बनाया था वेजिटेबल इडली बनाई थी, और साथ में सूजी के थोड़े से चीले भी बनाए थे, तो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ही है। और अभी बन चुके हैं 7:30, और अब जा रही हूँ मैं फिलहाल रात का खाना बनाने के लिए डिनर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया है, कम खाएंगे रात को खाना, तो वही समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। अभी फिलहाल मैं किचन में आके आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि दोनों रूम
एक रूम में पापा बैठे हैं, वहाँ पे टीवी चल रही है, दूसरे रूम में स्माइली और उसके पापा हैं, वहाँ पे कंप्यूटर भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है, इतना शोर हो रहा है दोनों रूम में। तो वीडियो बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में आके मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से, और कुछ बनाओ ना तो बर्तन तो फिर ढेर हो जाते हैं। अभी किचन के में मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, बहुत काम है अभी, तो खाना भी बनाना है। तो और गर्मी भी हो गई है अब तो, यहाँ पे बारिश बंद हो गई है, 2-3 दिन से धूप निकल रही है। और उसके बाद फिर लगाना है बालों में तेल, क्योंकि कल है संडे, बाल धोऊंगी और फिर बालों में बहुत ज़्यादा, और बालों में थोड़ा डैंड्रफ भी हो गया है, तो अच्छे से चप्पी करनी है अभी बालों की। तो फिलहाल मैं अपने काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में जो फैलता है ना काम, बर्तन वर्तन, वो भी बड़ा अच्छा लगता है धोने में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं किचन की क्लीनिंग कर, मतलब थोड़ा सही से रख दिया है, अभी बर्तन धोने के लिए रह गए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो खाना बना लेती हूँ, तो फ्रिज में गोभी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ सूखी, और वैसे भी कम खाना है, सूखी सब्जी बनने के बाद वैसे भी कम बचती है, तो बस वही मैंने गोभी काट ली है, सारी चीज़ें काट के रख ली हैं उनको, इसको मैं छौंक रही हूँ अब। और बस ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने नहीं बनाया, यही मैं बना बनाया मार्केट से जो पैकेट मंगवा लेती हूँ इसी से, इसी को डाल देती हूँ, और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इससे। तो बस उसके बाद साथ में यहाँ पर आटा भी लगा लेती हूँ, सब्जी मेरी बन रही है, और बस ये सब्जी आटा लगा के रख दिया है, सब्जी बन रही है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बर्तन भी धो के रख देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्माइली को थोड़ा सा होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि ये मैं नहीं रहती हूँ तो पढ़ाई बिल्कुल होती ही नहीं है, बिल्कुल साथ में बैठे रहो तभी पढ़ती है, वरना नहीं पढ़ती है। ये देखो मुझे छींक आ रही थी यहाँ पे, थोड़ा जुकाम सा हो रहा था शाम को, अभी बर्तन वर्तन धो के आई, तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं बता पा रही थी, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये मेरी नकल भी उतार रही है, मैं छींक रही हूँ जितनी बार उतनी बार ये भी कर रही हूँ। हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टी नहीं, लड़ाई हो रही है। फ्रेंड्स आज तो हम आ गए हैं लाइफ पे, नहीं बेटा पढ़ लो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो 12, ठीक है फ्रेंड्स। मैं तो है बॉल काम करो, कितनी है? हेलो फ्रेंड्स, हेलो। सारे काम मेरे हो चुके हैं और बस गए हैं 10:45, 10:45 हो गए हैं, और अभी फ्री हुई हूँ, सोचा चलो यहीं पे एंड कर लूँ वीडियो को। और अभी बालों में लगाना है मुझे तेल, तो मैंने कहा उससे पहले अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लूँ, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो, आज का जो व्लॉग है, थोड़ा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए। और जो लोग न्यू है चैनल पर तो क्या करना है? सब्सक्राइब। तो जो लोग न्यू है चैनल पर तो चैनल को रेड बटन भी प्रेस कर देना। कौन बोला? अच्छा स्माइली बोली, चलो बोलो, रेड बटन प्रेस कर लेना। तो अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, रंग बॉक्स में। हैप्पी डे रसरी है। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।